बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अभी हम एक और फार्मर ऑर्गेनिक वैली के फार्मर के साथ मौजूद हैं, तो अभी इनसे हम थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। सर आप अपना नाम बता दीजिएगा। मोहम्मद नदीम। नदीम साहब आप किस एरिया में इस वक्त फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं? ज़िला गुजरांवाला, डेरा शाह जमाल में। तो कब से नदीम भाई ये आप फार्मिंग के बिजनेस में हैं? छः साल। मतलब आपका ये पहला तजर्बा था ये जो आपने बर्ड लिया? जी, जी। तो आपने ऑर्गेनिक वैली से कौन सा बर्ड लिया था और कब लिया था? अक्टूबर में। ये जो मुझे पीछे नज़र आ रहा है, तो ये कैसा रहा रिजल्ट? आपने कितने जानवर लिए थे, कितने भरे हुए, और थोड़ा सा तजर्बा अपना बताइएगा। माशाल्लाह हमने 500 बर्ड लिया था, चिक्स लिया था, उसमें से तकरीबन 400 मेरे पास है, ठीक है। माशाल्लाह। और ये आपने अक्टूबर के मंथ में लिया था, अक्टूबर 2020 में, ठीक है। तो आपको ऑर्गेनिक वैली कैसा लगा? आपने फार्म विजिट किया, कैसा आपका तजर्बा रहा? ऑर्गेनिक बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका, ब्रीडर भी अच्छे हैं उनके। तो आपको फार्म कैसा लगा? सही है। तो नदीम साहब ये बताइएगा कि ऑर्गेनिक वैली के स्टाफ का आपके साथ कैसा एटीट्यूड रहा? मतलब जब आपने एक दफ़ा बर्ड खरीद लिया तो क्या वो आपको उसी तरह ही हेल्प करते रहे जैसे पहले करते थे, या मतलब बाद में? ठीक है। तो नदीम साहब ये बताइएगा कि आप ने इस बिज़नेस को कैसा पाया और क्या फ्यूचर में इस बिज़नेस को आगे चलाएंगे? जी माशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी है इसकी और बचत भी ठीक है, तो इंशाल्लाह रेगुलर करेंगे। ठीक है। तो फ्यूचर में आप और आस्ट्रेलिया बर्ड डालना चाह रहे हैं? जी इंशाल्लाह। सही हो गया। तो क्या कोई और आपसे अगर ऑर्गेनिक वैली का रेफरेंस लेता है तो उनको रिकमेंड करेंगे कि बर्ड लें? जी बिल्कुल। नहीं जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपके बिज़नेस में और तरक्की दे और आपको कामयाब करे। शुक्रिया जी।